हाय गाइस, स्वागत है आपका अंजू ऑफिशियल चैनल पर। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, एक दिक्कत हुई, जो हमने कल बेडशीट बनाई थी उसका जो इलास्टिक है वो पतला है, तो उसको मैंने मोटा इलास्टिक लगाया, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अगर आप बेडशीट बनाओ तो उसमें आपको 1 इंच से ज़्यादा ही लेना है चौड़ाई में इलास्टिक, उससे कम नहीं लेना है। तो वो कोई काम का नहीं था इलास्टिक, जो हम मास्क पे लगाते थे वो वाला इलास्टिक था, बहुत ही सॉफ्ट है, तो उससे बेडशीट मेरी नहीं टिकी, तो मैंने आज उसको चेंज किया है एक, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर खुशी कपड़े उतार के लाई है और लेके खड़ी है, तो सबको हाय करो। हाय, ये देखिए यहाँ पर, तो ये मैंने पतला डाला था, तो वो क्या है, वो बेडशीट उससे इकट्ठी हो रही थी। तो आपको क्या करना है, देखिए मैंने बाद में चौड़ा इलास्टिक डाला है, ये मैंने 1 इंच से ज़्यादा चौड़ा है, हल्का सा मतलब 1.25 इंच के लगभग चौड़ाई है इस इलास्टिक की, वो वाला इलास्टिक डाला है। तो अब ये बिल्कुल भी नहीं बिखर रही हमारी बेडशीट। तो गाइज देखिए, छत पर हम पिजियन के लिए खाना और पानी रखते हैं, तो बहुत सारे कबूतर आ जाते हैं। तो गाइज इन्हीं कबूतरों में से कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जो कि वाइट कबूतर होते हैं, जिस जो घरों में पाले हुए होते हैं और वो छोड़ देते हैं, तो वो कबूतर आ जाते हैं लेकिन वो वापस नहीं जाते। उनमें से एक कबूतर है जिसको मैं दिखाऊँगी जो वापस नहीं जा रहा है। और फ्रेंड्स, इनमें से एक कबूतर ऐसा है जिसका पैर टूटा हुआ है, और बिल्कुल ही ऐसा है कि वो कबूतर एक पैर पे चलता है। तो ऐसे कबूतर और पैरोट रोज आते रहते हैं छत पर। और ये देखिए कितने सारे कबूतर हैं जो कि खाना खा रहे हैं यहाँ पर, और खुशी इनको यहाँ पर खाना दे रही है। तो गाइज, जो एक वाइट कलर का कबूतर है, जो बाहर से आया हुआ कबूतर है, और वो किसी का पालतू कबूतर है, वो कम से कम 4-5 महीने से यहीं पर बैठता है, और इसकी तबीयत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है 2 दिन से, तो मैं आपको दिखाऊंगी वो कबूतर भी। तो गाइज ये देखिए, जस्ट हमारे गेट के बाहर ऐसे बैठा हुआ है ये, और बिल्कुल ही कुछ खा पी नहीं रहा है 2 दिन से, आप देख सकते हो बिल्कुल शांत बैठा है। तो हम इसको क्या करेंगे, जो हम अपने पेट के लिए जो रखते हैं दवाई, एक बार तो वो दे के देखते हैं, थोड़ी सी आराम मिलेगा तो ठीक है, नहीं फिर देखते हैं क्या होता है। तो गाइस सुबह के 8 बजे हैं और हमने देखा ये कबूतर जो है 2 दिन से सुस्त बैठा है, न कुछ खा रहा है न पी रहा है, और बिल्कुल गेट के बाहर ही आके बैठ गया है। तो हम इसको पकड़ के इसको दवाई देंगे, इसको पकड़ लिया है और अब इसको हम ड्रॉप देंगे जो कि हम पक्षियों के लिए रखते हैं, इसको ठंड लगी हुई है। गाइस जो हम इसको दवाई देंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार, जो ये दवाई हम देते हैं, पानी तो ये पिएगा नहीं अभी क्योंकि हमने इसको पकड़ा है अंदर, पहली बार हम अंदर लेकर आए हैं इसको पकड़कर, इसकी तबीयत ख़राब देखकर। और गाइस ये अच्छा होता अगर इसको परिवार मिल जाता तो, अपने परिवार में रहता तो, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, देखते हैं कहीं आसपास में अगर कोई ज़्यादा कबूतर रखने वाले होंगे तो उनके पास छोड़ेंगे इसको ट्रीटमेंट करके इसको अच्छे से। तो गाइस अभी इसको दवाई देते हैं। तो गाइस हमको क्या करना है, इसमें से सिर्फ 1 ड्रॉप लेनी है, ठीक है, ये मैंने 1 ड्रॉप ले ली है, और थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी मिला लेंगे, ठीक है, पानी मिला के फिर देनी है। देखो शाइनिंग पंख आ रहे हैं ना, ले पकड़ कुछ इसको, कितना है इसमें, पी रहा है, तो बिल्कुल ही आसानी से पी ली भाई इसने। और अब इसको ये ड्रॉप हमको 3 टाइम देनी है, 2 दिन तक ये ड्रॉप देनी है। देख आप देख सकते हो कैसे बेचारा बिल्कुल ही सुस्त बैठा है। तो गाइज हमने दवाई दे के कबूतर को छोड़ दिया है। तो फ्रेंड्स अब हम इसको दोपहर में वापस थोड़ी सी 1 ड्रॉप और दे रहे हैं। तो गाइज अब देखिए, मैं डेली रूटीन का जो काम है मेरा वीडियो बनाने का, स्ट्रेचिंग की वीडियो बनाने का, वो उस पर लग गई हूँ। मैंने यहाँ पर पुरानी बेडशीट ली है और इससे आज हम बनाने वाले हैं फ्लोर मैट। तो इसकी फुल वीडियो की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये पुराने बचे हुए कपड़े और पुरानी बेडशीट से मैंने इस फ्लोर मैट को बनाकर तैयार किया है। तो फ्रेंड्स इसमें हमने फोम शीट यूज की है और इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो अगर आपको बनानी है तो फुल वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी।
तो गाइज शाम के बज गए हैं 6 और मैं अभी सिलाई की वीडियो कंप्लीट करके अभी मैंने निपटाया काम। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ, मैं सिटी जाके आई हूँ, मतलब कि मैं मार्केट जाके आई हूँ और मैं लाने तो गई थी सूट का कपड़ा, क्योंकि अभी हमारे घर में शादी आने वाली है तो मुझे एकदम से मेरे को टाइम नहीं मिलेगा। 1.5 महीने बाद शादी है, जनवरी में शादी है, मेरे को जो कपड़े बनाने हैं मेरे, तो वो मेरे को उसका कपड़ा लेके आना था। अभी सर्दी में शादी है तो मैंने सोचा कि ऐसे कपड़े बनाऊं जो थोड़े से अच्छे भी दिखे और उसमें ठंड भी ना लगे, तो उसके लिए कपड़ा लाने के लिए गई थी। पर मैं वो दुकान तो मेरे को खुली नहीं मिली जहाँ से मैं कपड़ा लाती हूँ, दूसरी दुकान पर फिर मैं नहीं गई, मैंने कहा किसी और दिन देखेंगे, अब इतना अर्जेंट भी नहीं है। और फिर मैं लेके आ गई सर्दी के कुछ और कपड़े, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक तो ये खुशी ने पहन रखी है, ये वाली टी शर्ट लेके आई हूँ। तो गाइज एक ये वाली टी शर्ट मैं लेके आई हूँ खुशी के लिए और एक ये वाली जैकेट है, तो इसके ये इस तरीके से टिक टिक वाले बटन है, हवा जा रही है टिक टिक। लास्ट है ये, जोर खा रहा है। और ये स्लीव्स लेस है गाइस, हल्की फुल्की ठंड के लिए है ये। और इसकी कॉलर के ऊपर ये आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट फर लगी हुई है, ये देखिए इस तरीके से। ये मैं मेरे लिए लेकर आई थी लेकिन खुशी को पसंद आ गया तो खुशी पहन लेगी और अच्छा इसी के ऊपर अच्छा लग रहा है। ये पॉकेट भी है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ आज। तो ये मैं ब्लेजर लेके आई हूँ मेरे लिए सर्दी की, और फ्रेंड्स एक ये वाला जैकेट लेके आई हूँ। ये जैकेट मैं मेरे लिए लेके आई थी लेकिन ये अनिकेत को पसंद आ गई है इस तरीके से, और ये इसके पॉकेट है, कोई बात नहीं अनिकेत पहनेगा। और गाइस ये जो जैकेट है ये है अनिकेत की, इसकी कॉलर ऐसे है, ये पूरी जैकेट ऐसे है। एक जैकेट जो है सेम ही डिजाइन है उसकी, बट कलर इसका ग्रे कलर है, वीडियो में कैसा दिख रहा होगा लेकिन ये देखिए सेम डिजाइन है। ये अनिकेत के पापा की है, अनिकेत को और अनिकेत के पापा को सेम साइज आती है। तो ये खुशी यही लेके आई हूँ ना मैं, हाँ मेरी 2 टी शर्ट भी है लेके आना खुशी। और ये वाली जो है मेरे लिए है टी शर्ट, इसके अंदर जो है इसका कपड़ा ऊनी कपड़ा है अंदर से, ये देखिए ये इसमें प्यारी सी यहाँ पे इस तरीके से कुछ वर्क हो रखा है। और एक ये वाली टी शर्ट है और एक अनिकेत की टी शर्ट है, तो वो इसने पहन ली है। तो फ्रेंड्स गई तो थी मैं सूट का कपड़ा लाने के लिए लेकिन मैं ये सारे कपड़े लेके आ गई और डेली रूटीन के कपड़े हैं ये, अब सूट का कपड़ा लेके आऊंगी उसको डिजाइन करूंगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। गाइस ये वाली जो टी शर्ट है, ये वाली टी शर्ट और वो एक जैकेट, वो इनके पापा का है, तो ये वाली चीजें हम लेकर आए हैं आज। तो गाइस देखिए एक टी शर्ट तो मैंने पहन ली है, तो फ्रेंड्स बताइए कि कैसी लगी है। और खुशी भी अपनी पहन के बैठी है एक। तो गाइज अब मेरे को किचन में जाना है, 7 बज गए हैं शाम के, ये सारा काम मेरा हो गया है और फटाफट से अब हम खाना बनाते हैं। तो देखती हूँ खाने में क्या बनता है, और पीजीएम को भी दवाई देनी है एक बार, तो पहले उसको दवाई दे देते हैं और फिर खाना बनाते हैं। कबूतर को हमने 2 बार दवाई दे दी है लेकिन इतना अच्छा नहीं है, उसने खाना पीना कुछ नहीं खाया है और बिल्कुल ही सुस्त बैठा है, तो अभी एक बार उसको हम दवाई दे देते हैं। गाइज दुआ कीजिए कि वो बेचारा ठीक हो जाए और फिर उसको एक अच्छा परिवार मिले, हम उसको कहीं परिवार में छोड़ सके। तो हमने वैसे एक बार कोशिश की थी, पहले भी कहीं छोड़ा था, तो ये क्या करता है आसमान में उड़ता है लगभग 1 घंटे भर शाम को और 1 घंटे भर सुबह, तो इसको पूरे एरिए का पता है। तो हम इसको 5 किलोमीटर दूर छोड़ के आए थे फिर भी ये 2 दिन के बाद वापिस आ गया,
फ्रेंड्स अभी कोशिश करेंगे वापस इसको थोड़ा दूर कहीं परिवार में छोड़े, इसको अभी यहाँ पर अकेला बैठा रहता है ये, तो इसकी अच्छे से केयर नहीं हो सकती है मेरे हिसाब से हमसे, क्योंकि सिर्फ हम खाना दे देते हैं, पानी पी लेता है, बाकी अकेला शांत सा बैठा रहता है, तो हमको भी अच्छा नहीं लगता है, शायद इसको भी नहीं अच्छा लगता होगा पता। तो गाइज आज मैंने ये वाला फ्लोर मैट बनाकर तैयार किया है, बहुत ही सॉफ्ट बना है, और ये देखिए बचे हुए कपड़े से मैंने इसको बनाया है। तो आप भी इस तरीके से फ्लोर मैट घर पे बना सकते हो, जो महंगे महंगे मार्केट में मिलते हैं आप कम पैसे में बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आप बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय।